और पत्र लिखकर आजम खान को कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी में शामिल होने की निमंत्रण दिया गया था और दावत भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी आजम खान जरा सा भी टस मस नहीं हुए। और उसके बाद जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आजम खान एमआईएम की पार्टी में आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो है दामन थामेंगे, लेकिन वो चीज़ अभी भी अधूरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है, जिसमें आजम खान और उनके चाचा रामगोपाल वर्मा का नाम नहीं दिया गया है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब MY यानी कि मुस्लिम यादव पर नहीं, अब BM यानी कि ब्राह्मण और मुस्लिम कार्ड पर अपना दाव जमा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा, लेकिन इसी सब मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम करीमी। इनसे जानते हैं कि आजम खान के गढ़ में क्या कुछ होने वाला है और जो समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियाँ शुरू कर ली है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानते हैं। बिल्कुल ज्योति, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जो रामपुर गढ़ कहा जाता है आजम खान का, वहाँ पर किस तरह से MIM चाहे विधानसभा चुनाव का हम जिक्र करें, तब भी वहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी। अब निकाय चुनाव को लेकर जब बात होती है तो उस वक्त भी जो है अब MIM पार्टी जो है वहाँ पर उम्मीदवार को नहीं उतारती है। तो मकसद साफ है कि आजम खान को कहीं ना कहीं MIM की तरफ से रिझाने की कोशिश हो रही है। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिस तरह से उप निकाय चुनाव को लेकर भी जब वहाँ पर पार्टी ऐलान किया था समाजवादी पार्टी ने और कई वहां पर बड़े दिग्गज नेता को मैदान में उतारा था, तो उस वक्त भी जो है MIM वहां पर सपोर्ट की थी। लेकिन आजम खान के रामपुर में जो उनका एक गढ़ कहा जाता है वहां पर किस तरह से उनको काफ़ी झटका लगा था उपचुनाव में, और उसके बाद वही चीज़ें अगर दोहराती है उप निकाय चुनाव में, तो मकसद साफ है कि वहां पर रामपुर में जिस तरह से आजम खान का जो एक वर्चस्व है, जो दबदबा है, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होगा। इससे BJP आलाकमान में काफ़ी खुश नज़र आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें, क्योंकि MIM की तरफ से बार बार इस बात को लेकर जो है कोशिश की जा रही है, इससे पहले भी ऑफर किया गया था और पत्र लिखकर आजम खान को कहीं ना कहीं MIM पार्टी में शामिल होने की निमंत्रण दिया गया था और दावत भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी आजम खान जरा सा भी टस मस नहीं हुए। और उसके बाद जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आजम खान MIM की पार्टी में आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो है दामन थामेंगे, लेकिन वो चीज़ अभी भी अधूरा है। लेकिन क्या अगर उप चुनाव और निकाय चुनाव में अगर उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तो MIM कहीं ना कहीं इस बात को लेकर साफ तस्दीक कर रही है कि वो कहीं ना कहीं जो है आजम खान को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मुसलमानों का कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आजम खान के साथ हमेशा रहा है। और आजम खान जब से वहाँ पर कई बार विधायक बने, सांसद बने, लेकिन सौरा से जब अब्दुल्ला आजम का जिक्र होता है, क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई और उस विधानसभा में जब वो थे, विधायक थे, उनकी विधायकी की सदस्यता चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका डाला गया था सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस बात को लेकर उस याचिका पर कहा कि उन्हें दोबारा सदस्यता मिल सकता है। लेकिन इस बात को लेकर जो है थोड़ी समाजवादी पार्टी में चहल पहल तो है ही, लेकिन स्टार प्रचारक के रूप में आजम खान का नाम शामिल न होना, ये कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है कि आजम खान को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। इससे रामपुर के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। हो सकता है इसमें वजह कई चीज़ें बताई जा रही है। आजम खान का तबीयत भी ख़राब है ज्योति, और उसके बाद अस्पताल में वो भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है दिल्ली में, और उसके बाद जो है जिस तरह से ये चीज़ें कही जा रही है, हालांकि जो समाजवादी पार्टी है आधिकारिक तौर पर वो बीमारी का कहीं ना कहीं जो है मतलब बता रहे हैं कि बीमार होने के कारण स्टार प्रचारक में शामिल नहीं किया गया, लेकिन रामपुर के लोग समझदार और सतर्क हैं। वो बिल्कुल समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आजम खान को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन MIM पार्टी में अगर वो आते हैं तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए सोने पे सुहागा होगा और बड़ी खुशखबरी होगी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। सदाम, नगर निकाय चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि अगर आजम खान MIM पार्टी में आते हैं तो क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा, वहीं अगर आजम खान MIM पार्टी में आते हैं तो क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, तो कई लोग इस पर लिख भी रहे हैं कि इससे मुस्लिमों की जो बातें हैं वो और ज़्यादा ज़ोर शोर से रखी जाएंगी अगर MIM पार्टी में आते हैं, और ओवैसी का हौसला भी और बढ़ेगा, क्योंकि आजम खान काफ़ी समय से राजनीति में है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजनीति के कहाँ उनको दाव खेलना है, कहाँ उनको पैच लड़ाना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो स्टार प्रचारक में उनका नाम नहीं दिया गया लिस्ट में आजम खान का, क्या पता उनकी तबीयत का बहाना लगाया जा रहा है। जैसा कि अभी हाल ही में अतीक का मामला आया है, क्या अगर ये दोनों लोग
बड़े जो चेहरे हैं राजनीति के, अगर ये साथ में आते हैं तो क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा सद्दाम? देखिए, नज़ारा और मकसद साफ है, और जिस तरह से यूपी के चुनाव में, जिस तरह से निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं जो अतीक का मामला भी उछाला जा रहा है, बहुत गंभीर मसले पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उन लोगों को साधने की कोशिश हो रही है, उन वोटों को साधने की कोशिश हो रही है जो हमेशा धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण और जो कम्युनलाइज करने की बात होती है वो कहीं ना कहीं उनको साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अतीक का मुद्दा निकाय चुनाव में उछाला जाता है तो इससे बीजेपी को कुछ फ़ायदा होगा, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में देखा जा चुका है कि जब समाजवादी पार्टी ने चेहरे बदले थे लेकिन उसकी कई सीट पर उसे हार भी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार भी समाजवादी पार्टी कई अलग चेहरे लेकर आ रही है यूपी निकाय चुनाव में, तो देखने वाली बात होगी क्या समाजवादी पार्टी की जीत होगी, क्या जो आजम खान का गढ़ है रामपुर, क्या वहाँ पर किसकी जीत होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।